बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दोस्तों मान लीजिए किसी भी व्यक्ति द्वारा आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी जाती है, तो आप उस FIR को कैसे चैलेंज कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते, आप इस वीडियो से जानेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी है, तो आप उसे चैलेंज करने का क्या तरीका है, ये इस वीडियो से जानेंगे। लेकिन दोस्तों किसी व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई है लेकिन कॉन्ग्लिजेंस ऑफेंस है कि नॉन कॉन्ग्लिजेंस ऑफेंस, ये भी जानना जरूरी है। अगर कॉन्ग्लिजेंस ऑफेंस है दोस्तों, तो पुलिस आपको बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन कॉन्ग्लिजेंस ऑफेंस असंग अपराध, उसमें पुलिस बिना सर्च वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसी दोनों चीज़ों में कॉन्ग्लिजेंस और नॉन कॉन्ग्लिजेंस ऑफेंस होने के बाद भी आप उस FIR को रद्द कैसे करा सकते हो, कैसे नहीं करा सकते, दोस्तों आपके पास एक हथियार है CRPC 482 के तहत आप उस प्रथम सूचना रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हो, वो भी चैलेंज हाई कोर्ट से कर सकते हो। मान लो आप जिस दिन आपके खिलाफ FIR दर्ज हो, आप उस दिन वहाँ मौजूद नहीं, सारी चीज़ें लोकेशन देखी जाती है कि वो व्यक्ति यहाँ मौजूद था ही नहीं, सारी चीज़ें वहाँ देखी। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें 482 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश करने के बाद वो सारी चीज़ें आपको वहाँ बताना पड़ेगी। सारी चीज़ें से संतुष्ट होने के बाद हाई कोर्ट आपकी FIR को क्लोज कर सकता है, FIR को रद्द कर सकता है। ये कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स होते हैं वो 482 के तहत, अगर झूठी शिकायत होती है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको रद्द कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी जाती है, तो आप उसे चैलेंज कीजिए, उसे स्वीकार नहीं कीजिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति झूठी FIR दर्ज करा रहे हैं तो पुलिस सबका आपको परेशान करती है, तो आप 482 में जाइए हाई कोर्ट से उस FIR को ही रद्द करा दीजिए, उस FIR को क्लोज करा दीजिए। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके काम नहीं है, एक दूसरों को उलझाते रहते हैं, झूठी शिकायत करते हैं, उनके खिलाफ भी आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आप पहले आपके खिलाफ जो झूठी FIR है दर्ज हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो गया, उससे बचने के लिए आप 482 में ही जा सकते हैं, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी के खिलाफ अगर ऐसी शिकायत किसी व्यक्ति द्वारा कर दी जाती है, तो आप उसको चैलेंज कीजिए, उसको क्यूज कराइए, उस FIR को रद्द कराइए CRPC 482 के तहत। 482 एक ऐसा पावर रखती है कि हाई कोर्ट अपने आप में ऐसा पावर रखती है कि झूठी FIR को वो वहाँ से ही रद्द करने के आदेश जारी कर सकते हैं, आदेश कर सकती है और रद्द कर सकती है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपके खिलाफ कोई ऐसा झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, तो आप 482 के तहत उसे रद्द या क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपके इस वीडियो में अच्छा समझ में नहीं आए कि मैं इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें।